दोस्तों, अगर आपका YouTube पर कोई वीडियो वायरल होता है और आपकी वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं तो ऐसे में आप बहुत खुश होते हो कि आपकी वीडियोस पर काफ़ी सारा व्यू आ गया तो आपको अब बहुत ज़्यादा एक मोटा पैसा मिलने वाला है। और सामने वाला बंदा जो भी आपकी वीडियो को देखता है उसको लगता है यार इसकी वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं तो इससे अब काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि अगर YouTube पर आपका कोई वीडियो वायरल होता है तो आपको कितना पैसा मिलता है या मिल सकता है, या फिर कौन सी ऐसी वीडियो होती है जिस पर YouTube सबसे ज़्यादा पैसा देता है। तो पूरी इस वीडियो में बने रहो, सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा। और उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं इस चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सपोज आप एक नए यूट्यूबर हो, आपने एक वीडियो अपलोड की यूट्यूब पर और आपका वो वीडियो वायरल हो गया और उसमें लगभग 1 मिलियन के आसपास व्यूज आ गए, तो ऐसे में आपको लगेगा यार 1 मिलियन व्यूज़ पे तो YouTube हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा देगा। और ऐसा लगना भी चाहिए क्योंकि 1 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है अपने आप में एक नए यूट्यूबर्स के लिए। अगर उसके वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं तो 1 मिलियन काफ़ी बड़ा नंबर होता है और उसकी एक्सपेक्टेशन होती है भाई कि हमें काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा। अभी मैं आपको एक लाइव प्रूफ देता हूँ दोस्तों इस वीडियो में। आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने एक वीडियो ओपन कर रखी है, ये मेरा ही चैनल है। इस वीडियो पर आप व्यूज़ देखेंगे तो 13.5 लाख व्यूज़ हैं। अब आप मान सकते हो दोस्तों कि 13.5 लाख व्यूज़ का तो काफ़ी अच्छा पैसा बनना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा होगा और मुझे भी लगा जब इस पर इतने व्यूज़ बने। अब मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ। इसमें अगर मैं एनालिटिक्स में जाता हूँ दोस्तों और यहाँ पर मैं इसका रेवेन्यू में जाता हूँ, लाइफ टाइम कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं जैसे यहाँ पर इसको लाइफ टाइम करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना पैसा मुझे बना, 11,716 रुपये, वो भी कितने 13 लाख व्यूज़ पर, 11,716 रुपये। गाइज, यहाँ पर आपको थोड़ा सा शौक लगा होगा कि 13 लाख व्यूज़ पर सिर्फ मात्र मुझे 11,500 रुपये यहाँ पर बने, और आपको लगना भी चाहिए क्योंकि 1 मिलियन काफ़ी बड़ा नंबर होता है। हर किसी यूट्यूबर का ये होता है यार कि अगर 1 मिलियन व्यूज़ आएंगे तो काफ़ी अच्छी अर्निंग होगी, लेकिन दोस्तों हर वीडियो पर ऐसा नहीं होता कि आपके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए तो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसा बनेगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ और दिखाता हूँ। अगर मैं इस वीडियो को आपको RPM दिखाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर RPM इस वीडियो का कितना है, 8.5 रुपये। RPM होता क्या है दोस्तों, आपकी वीडियोस पर जो 1000 व्यूज़ आते हैं उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मुझे पर 1000 व्यूज़ पर 8.5 रुपये मिले। आप देख सकते हो गाइस कितना कम है, 1000 व्यूज़ पर 8.5 रुपये। अब दोस्तों मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा, आपको और शौक लगने वाला है अभी। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको अपनी एक और वीडियो ओपन करके दिखाता हूँ, इसको हम कंपेयर करेंगे इस दूसरी वीडियो से। इस वीडियो पर मेरे मिलियंस ऑफ व्यूज़ तो नहीं है लेकिन यहाँ पर 5,500 व्यूज़ है, आप देख सकते हो 5.7K व्यूज़ है। अगर इस वीडियो को मैं आपको RPM दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर थोड़ा सा शॉक लगने वाला है। अब गाइज यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको मिलियंस वाली वीडियो दिखाई थी उसका RPM कितना था, 8 रुपये पर 1000 व्यूज़ के लिए मुझे 8.5 रुपये मिल रहा था। यहाँ पर इस वीडियो का RPM आप देख सकते हो कितना है, 38 रुपये पर 1000 व्यूज़ पर, 38 रुपये। यहाँ पर लिखा भी गया रेवेन्यू फॉर एवरी वन के व्यूज़, RPM 38 रुपये। अब गाइज आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है यार, एक वीडियो जिस पर मेरा 1 मिलियन व्यूज़ है वहाँ पर मुझे RPM मिल रहा है 8.5 के हिसाब से, और एक वीडियो जिस पर मेरा व्यूज़ है मात्र 5,500 वहाँ पर मेरा RPM कितना है, 38 रुपये पर 1000 व्यूज़। अब यहाँ पर कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, लगभग 5 गुना डिफरेंस। अब इस वीडियो में अगर मेरे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते तो उस वीडियो के मुकाबले इस पर मुझे 5.5 गुना अर्निंग ज़्यादा होती, मतलब अगर मेरे इस 5,500 वाली वीडियोस पर 1 मिलियन व्यूज़ आते तो मुझे यहाँ पर लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये अर्निंग हो जाती, और मुझे हुई कितनी, 11,000, मात्र 11,500 रुपये। गाइज आपने देखा यहाँ पर मैंने आपको दो अलग अलग वीडियो दिखाई, एक वीडियो पर व्यूज़ थे 13 लाख और एक वीडियो पर व्यूज़ थे 5,500, और दोनों वीडियो में दोस्तों कितना डिफरेंस है अर्निंग में, एक वीडियो पर मुझे मिल रहा है 8.5 रुपये पर 1000 व्यूज़ के और एक वीडियो पर मुझे मिल रहा है 38 रुपये पर 1000 व्यूज़ के। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है अपने आप में। अब ऐसा डिफरेंस दोस्तों क्यों आए इसको समझते हैं, तो इसके लिए हम इन दोनों वीडियो का कंपेरिजन करेंगे आपस में। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो मेरी 5,500 व्यूज़ वाली वीडियो है इसको आप देख सकते हो, इसका अगर आप यहाँ पर मैं आपको व्यूज़ दिखाऊँ तो इस पर व्यूज़ कैसे आए, किस तरीके से आए, तो यहाँ पर मैं रीच में जाता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर YouTube सर्च, इस वीडियो पर जितने भी व्यूज़ आए सारे YouTube सर्च की तरफ से आए। आप देख सकते हैं ब्राउज फीचर से 7.2%, सजेस्टेड वीडियो 3.5%, अदर 2%। तो ओवरऑल दोस्तों इस वीडियो पर जो भी व्यूज़ आया सारे सर्च से आया, जो लोगों ने सर्च किया होगा YouTube सर्च बार में जाके तो वहाँ से ये डायरेक्ट व्यूज़ हैं। अब मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाता हूँ मिलियन वाली वीडियो, उस पर कहाँ से व्यूज़ आ रहे हैं। ये है दोस्तों 1 मिलियन वाली वीडियो, आप देख सकते हो इसके रीच सेक्शन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, ब्राउज फीचर से, लगभग 82% व्यूज़ सारे ब्राउज फीचर से आ रहे हैं। वही सर्च की बात करें तो 1%, मतलब नाम मात्र के व्यूज़ आए। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा डिफरेंस है अर्निंग का, अगर आप कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हो
और आपकी वीडियो सर्च सेक्शन में जाते हैं, आपके जो व्यूज़ हैं यूट्यूब सर्च से आते हैं, तो आपकी वहाँ पर ज़्यादा इनकम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर चीज़। अगर आपके ब्राउज फीचर से या फिर सजेशन से व्यूज़ आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको कम अर्निंग होगी, और अगर आपकी वीडियो सर्च में जाती है तो वहाँ पर आपको हाईली इनकम होती है। इसलिए दोस्तों हर कोई यूट्यूबर कहता है कि आपकी वीडियो सर्च में जानी चाहिए, तो उसका यही रीज़न है, आपको अपनी वीडियो को सर्च में लाना है अगर आपको अपनी वीडियो से ज़्यादा अर्निंग करनी है। सेकंड दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं दिखाऊँ, तो इस वीडियो का अगर आप टाइटल देखोगे तो मेरा इस वीडियो का टाइटल है हिंदी में, आप देख सकते हो मैंने ओवरऑल टाइटल हिंदी में लिखा है। वही तीसरी वीडियो का अगर मैं आपको टाइटल दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं इसको आपको टाइटल खोलता हूँ, तो गाइज इस वीडियो का टाइटल आप देखो, इस वीडियो का जो मैंने टाइटल लिखा है वो मैंने पूरा इंग्लिश में लिखा है। तो टाइटल भी दोस्तों आपका बहुत मैटर करता है अर्निंग के लिए और आपकी वीडियो को रैंक कराने के लिए। अगर आप अपनी वीडियो को टाइटल इंग्लिश में लिखते हो तो वहाँ पर आपकी जो अर्निंग के चांसेस है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप अपनी वीडियो अपलोड करते हो तो ट्राई किया करो मैक्सिमम टाइम कि आपका जो टाइटल है वो इंग्लिश में हो, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी वीडियो पर अच्छे खासे ऐड चलते हैं और आपकी जो अर्निंग के चांसेस है वो और बढ़। तो गाइज ये दो बातें थी जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा अर्निंग को लेकर बनाया। पहली बात, आपका वीडियो अगर सर्च में जाता है तो आपकी वीडियो पर अच्छा अर्निंग होगा। सेकंड, आपका जो टाइटल है वो अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो ये भी बहुत अच्छा अर्निंग आपको दे सकता है। आप बात करते हैं दोस्तों यूट्यूब सबसे ज़्यादा अर्निंग किस वीडियो पर देता है या फिर कौन से चैनल को देता है। अभी दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं, जो मैंने आपको अपना ये चैनल दिखाया है, ये चैनल है ब्लॉगिंग पर्पज़ का चैनल है, तो ये ब्लॉग की कैटेगरी में आता है, तो इस पर जो अर्निंग है वो बहुत कम होती है, आरपीएम बहुत कम बनता है। वही मैं अदर चैनल की बात करूं, अगर आपका गेमिंग का चैनल है या फिर आपका अर्निंग रिलेटेड चैनल है या फिर आपका टैग चैनल है, तो यहाँ पर जो आपका आरपीएम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी अगर आपके 1000 व्यूज़ आते हैं आपका कोई अर्निंग का चैनल है तो वहाँ पर आपके $2 से $3 बन जाते हैं, उनका आरपीएम बहुत हाई होता है और यहाँ पर आपकी इनकम भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसलिए दोस्तों अगर आपका कोई अर्निंग से रिलेटेड या टैग चैनल हो, वहाँ पर आपकी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं, तो वहाँ पर आपको 1 मिलियन व्यूज़ पर 1 से 2 लाख रुपए आप आसानी से कमा सकते हो, 3 लाख रुपए भी कमा सकते हो, लोगों ने कमाए भी हैं। यही फ़र्क है दोस्तों, मेरा जो चैनल था ये ब्लॉगिंग चैनल है, इस पर मुझे 1 मिलियन पे इसलिए बहुत कम पैसा बना है। अगर यही व्यूज़ मेरे टैग चैनल पे होते तो मुझे 1 मिलियन व्यूज़ पे लगभग 1 से 2 लाख रुपए आसानी से बन जाता। तो सबसे ज़्यादा यूट्यूब जो देता है वो टैग कैटेगरी, गेमिंग हो गया या फिर अर्निंग से रिलेटेड चैनल हो गया, तो इन पर सबसे ज़्यादा कमाई होती है। तो गाइज आपने देखा हमने दोनों वीडियो का कंपैरिजन किया, साथ ही साथ मैंने बताया कि अगर आप एक टैग यूट्यूबर हो या फिर आप गेमिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हो या फिर आप अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो वहाँ पर आपकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरी के। तो इसलिए अगर आपको इन फील्ड में थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो आप अपना चैनल बना सकते हो और एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो को मैं ये एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।